युवा कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन आज की नौकरियों के लिए बहुत जरूरी स्किल नहीं सीख रहे हैं। साथ ही नौकरी ढूंढते समय भी वह ऐसी 5 गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। आज के डिजिटल युग में नौकरी का परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण डिजिटल सेक्टर युवाओं के लिए एक बड़ा जॉब मार्केट है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि जो युवा जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। जो पहली गलती है वो है डिजिटल स्किल को विकल्प मानना। मतलब डिजिटल स्किल अब सिर्फ एक विकल्प नहीं है। लाखों युवाओं यानी अब तक जो युवा हैं उनको ये लगता था कि करियर बनाने के लिए डिजिटल स्किल एक सिर्फ ऑल्टरनेटिव की तरह काम करता है, कि एक साथ में विकल्प भी है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन युवाओं को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि आज डिजिटल स्किल सिर्फ एक विकल्प नहीं रहा बल्कि सबसे ज़रूरी स्किल बन चुका है जो आने वाले हर नौकरी के लिए काम आएगा। चलिए बात करते हैं दूसरी गलती पे। तो आखिर दूसरी गलती है क्या? YouTube या मानिए कि सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया की जो ट्रेनिंग आप लेते हैं, देश में ऐसे लाखों युवा हैं जो YouTube वीडियोस या किसी ऐप की मदद से डिजिटल मार्केटिंग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो में उन्हें पुराने मेथड और पुराने आउटकम्स ही दिखते हैं, जिससे उन्हें नए मेथड, नए टेक्निक और नए सिलेबस की जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए अपनी डिजिटल स्किल ट्रेनिंग के लिए बेहतर संस्थान ही चुने, क्योंकि अगर आप एक अच्छी कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जो आपको बहुत अच्छे से डिजिटल के बारे में और पूरे उस सोशल मीडिया के बारे में समझाती है, तो समझ लीजिए कि आपका जो करियर पाथ है वो बहुत स्मूथ होने जा रहा है। क्योंकि विदाउट डिजिटल आपके पास कोई वे नहीं बच जाता, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है आज के रेट में, आज के इस डिजिटल युग में। चलिए अब तीसरी गलती पे आते हैं, वो है कि एक नौकरी से काम नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अगर आप पुराने ख्यालों के हैं और मानते हैं कि सिर्फ एक नौकरी में आपके जीवन में तरक्की या सिर्फ एक नौकरी से आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, तो यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। आपको अपनी माइंडसेट बदलनी होगी, क्योंकि अब एक नौकरी के भरोसे आप ना तो ढंग से परिवार चला सकते हैं और ना ही अपने करियर में उतना ग्रो कर सकते हैं। तो आखिर क्या कीजिएगा? इसलिए मल्टीपल जॉब जो फॉर्मेट है वो करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप अपने आप को खुद को तैयार कीजिए। अब आते हैं हम चौथी गलती पे। तो चौथी गलती जो हमारी है कि डिग्री पर पूरी निर्भरता सही नजरिया नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे 12th पास जो यूथ है, जो युवा है, वो 3 से 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्सेज के स्किल सीखकर डिजिटल इंडस्ट्री में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे में क्या दिक्कत आती है कि उन्हें 3 से 5 साल का जो स्नातक या उसके ऊपर की डिग्री है उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है, उसमें बहुत रुचिकर उनको नहीं लगता। ऐसे में अगर आप 12th के बाद अपने 5 साल की डिग्री को देने की सोच रहे हैं, तो आप जेन जेड के पीछे रह जाएंगे। मतलब कि आप जनरेशन जेड जो है वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आप 5 साल पढ़ाई करते रह जाएंगे। पर ऐसी बात नहीं है, आपको अपने नज़रिए को चेंज करना होगा, बदलना होगा, क्योंकि डिजिटल स्किल हासिल करने के लिए आपको एक और कदम बढ़ाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और वो जो समय होगा वो आपको एक गोल्डन करियर के तरफ आपका रुख कर देगा। चलिए अब पांचवी गलती, जो आखिरी गलती के बारे में हम बात कर रहे थे, अब पांचवी गलती कौन सी है? पांचवी गलती है रेगुलर जॉब पसंद, फ्रीलांस नहीं। देश में जैसे वित्तीय असुरक्षा से बचने के लिए, मतलब फाइनेंशियल जो आपको एक प्रॉब्लम होती है उससे बचने के लिए, आज भी हजारों युवा फ्रीलांस के काम को बहुत ही कम आंकते हैं, या यूं कहें कि पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि रेगुलर नौकरी ही सम्मानित पेशा है। जबकि विश्व बैंक के डेटा के अनुसार 2024 में न सिर्फ फ्रीलांस नौकरियां बढ़ रही हैं बल्कि इनका पे आउट भी काफ़ी बढ़ रहा है। ये थी 5 गलतियां जो आप देख रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये 5 गलतियों को ना तो दोहराएंगे और ना ही करेंगे, और साथ साथ विद्या लाइव आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी और हमारा नंबर मिल जाएगा, और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछिए, अपने करियर के बारे में पूछिए, 5 गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में पूछिए, कैसे नहीं करेंगे उसके बारे में पूछिए, पर हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।